घड़ी की टिक टिक लगने लगी बबाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें। घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेश कीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। तो तैयार हैं भाई आप? चलें जी, 3, 2, 1 गो। पकड़ भाई पकड़, मास्क ऊपर करें जी। हाँ जी, कितने? ओ भाई गिनने, 1, 2, 3, 4, 5 हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आइए जी। हाँ जी, राम आया? हाँ, फयाज अहमद। फयाज अहमद, और भाभी का? शमीम बीबी। ठीक है, चलें जी। जी 3, 2, 1 गो। मेरे हिसाब से 11 हैं। अब मुझे नहीं पता कि एक आध, लेकिन भाभी क्या थ्रो मारी है, पहली तो सीधी बास्केट के अंदर। जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओ अच्छा, मैं ये भी बता दूँ, ये बॉल्स और बकेट सब सैनिटाइज हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं वो हाथ सैनिटाइज करके आ रहे होते हैं, सो अगर वो दोबारा उस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं सो डोंट वरी। जी भाई का नाम तो पूछा ही नहीं। अब्दुल रहमान। ओके जी, चलें मुझे बताएं। रानी, चलें 3, 2, 1 गो।
लो भाई मुकाबला होया हुआ अरीब गरीब का, कुछ हो गया मसला। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। रेबल की वॉच जीत, अबे भाई जीत गए, रेबल की वॉच दे दो दे दो दे दो दे दो। थैंक यू बहुत सारी तालियां जी, आपस में खुद ही बजाएं। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बबाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉप करें। घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं पकाएं खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेश कीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।